2019 में मुझे बोला गया कि GraphQL सीखो माइक्रोसॉफ्ट में, और मैंने सीखा GraphQL। और GraphQL सीखने के बाद जब मुझे बेसिक समझ में आ गया, एक बेसिक ऐप बन गया, तो मुझे उसको प्रोडक्शन में लेके जाना था, उसको माइक्रोसॉफ्ट के ऐप के अंदर डालना था। प्रोडक्शन में जाना किसी भी ऐप को लेके बहुत खतरे से भरी चीज हो सकती है, इसलिए ये वीडियो ध्यान से देखो ताकि तुम वो मिस्टेक्स ना करो जो बाकी लोग करते हैं ऐप को प्रॉड में लेके जाने टाइम। देखो, प्रोडक्शन में कॉम्प्लिकेशंस एकदम से बहुत बढ़ जाती है। जब ट्यूटोरियल करते हो तुम, तो एक छोटा सा ऐप होता है, किसी ऐप दूसरे ऐप के साथ इंटीग्रेशन नहीं होता है। जब मैं टीम्स में था और मुझे GraphQL माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में डालना था, तो यार माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में बाकी भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज हो रहे थे, उसके बीच में अपनी एक जगह बनाना और उसमें बाकी चीज़ों से कैसे इंटरेक्शन होगा वो चीज़ डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, एक प्रॉब्लम और होती है कि बहुत सारे यूजर्स होते हैं आपके, और जब आप कुछ गलती करते हो, इफ़ यू इट अप, हर कोई डंडा लेकर आपके पीछे पड़ जाता है। इसके भी तरीके हम सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। जैसे कि पहला प्रॉब्लम जो मैंने आपको कहा कि यूजर्स बहुत होते हैं, तो उसका एक सलूशन होता है कि आप रिंग बेस्ड डिप्लॉयमेंट करें। ये क्या होता है, पहले आप कुछ ही यूजर्स को डिप्लॉय करें, ठीक है। मान लीजिए आपने 100 यूजर्स को डिप्लॉय किया, देखा कि कैसा चल रहा है, फिर 500 को किया, फिर 1000 को किया, फिर 10000 को किया, और ऐसे हर दिन रिंग जो है वो एक एक स्टेप प्रोपगेट करता जाता है। इसके ऊपर भी मैं मुझे बहुत मन है वीडियो बनाने का कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज रिंग बेस्ड डिप्लॉयमेंट कैसे करती है। अगर आपको भी इस वीडियो को सुनने जानने का मन है तो कमेंट में मुझे जरूर बताते जाना। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक चीज है कि यूजर धीरे धीरे डिप्लॉय करे, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, और बहुत चीजें करते हैं। क्यों ये चीज करते हैं सोचना जरूरी है। देखो, केक बनाया है कभी, नहीं बनाया होगा तो आइडिया तो होगा कि केक कैसे बनता है, केक में क्या करते हैं। यार बहुत मेहनत करते हैं, पहले बैटर बनाते हैं, सब कुछ तैयारी करते हैं, उसके बाद उसको ओवन में डालते हैं। अब अगर तुमने उसको ओवन में डाल दिया और उसके बाद तुम्हें ध्यान आया कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट भूल गए थे, तो बहुत मुश्किल होगी, केक खराब हो जाएगा। प्रोडक्शन में कोई चीज डालना भी ऐसा ही होता है। जब तुम कुछ बनाकर प्रोडक्शन में डालते हो, उसके पहले तुम्हें हर चीज को लिस्ट डाउन कर लेना चाहिए, हर प्रॉब्लम को समझ लेना चाहिए, यूजर की तरफ से एंटिसिपेट कर लेना चाहिए, अच्छे से टेस्ट कर लेना चाहिए, ये सब कुछ कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे और अनसेंट बिना मतलब का ऐप प्रोडक्शन में डाल दोगे, तो किसे परेशानी होगी, तुम्हारे यूजर्स को। तुम बोलोगे हमें क्या परेशानी, तुम्हें भी होगी। अगर तुम्हारे यूजर्स परेशान है तो तुम्हें ही उठाया जाएगा कि उठो भाई, तने भाई, तुम क्या क्या डाल दिया है ये कोड प्रोडक्शन में, इसको सही करो। और फिर तुम रात को 3 बजे बैठ के, 2 बजे बैठ के ऑन कॉल पे ये सही कर रहे होगे, और जो रेपुटेशन लॉस हुआ गलत चीज करने का वो तो अलग ही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब कोड प्रोडक्शन लिख रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें। और जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें बहुत पिटफॉल्स होते हैं। जैसे GraphQL नया था, काफी पिटफॉल्स थे, नया मेरे लिए भी था, नई टेक्नोलॉजी भी थी, तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे, उस टाइम पर कुछ स्टेप्स करने चाहिए। जैसे एक चीज ये करनी चाहिए, आपने बेसिक्स देख लिया, आपने ट्यूटोरियल बना लिया, ट्यूटोरियल का जो ऐप था वो भी बना लिया, होस्ट कर दिया, सब हमने कर लिया बिगिनर में। अब क्या करें, अब ट्यूटोरियल से काम नहीं चलेगा। देखो, एक ट्यूटोरियल देख के, दो ट्यूटोरियल देख के, चार ट्यूटोरियल देख के कोई वैल्यू ऐड नहीं होती, इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लग जाता है। तो अब क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें जिससे हमें रिटर्न्स बेटर मिले। सिंपल सी चीज है, ये जो भी नया टेक होता है इसमें कुछ लोग जाकर एक कॉन्फ्रेंस में टॉक देते हैं, और कॉन्फ्रेंसेस के जो टॉक होते हैं वो थोड़े हाई लेवल के होते हैं। ये ट्यूटोरियल का लेवल है, कॉन्फ्रेंस का लेवल थोड़ा ऊपर होता है। कॉन्फ्रेंस के टॉक में लोग बात करते हैं कि यार हमने GraphQL को डिप्लॉय किया प्रोडक्शन में, ये समस्या आई। तो जब मैं भी कर रहा था तो मैंने देखा कि अच्छा, GraphQL को पेपाल में डिप्लॉय किया गया था, अडोबी में यूज किया गया था, बाकी जगह यूज किया गया था, तो क्या समस्या आ रही थी उन लोगों को, क्या प्रॉब्लम्स आई प्रोडक्शन में। तो दूसरे की गलती से सीखने वाले को समझदार मानुष कहते हैं। तो आप इन वीडियो से, इन चीजों से सीख सकते हो। अब और क्या कर सकते हैं, पहले तो आपको ये आइडिया आ गया। एक चीज मैं और आपको बोलना चाहूंगा, जब आप ये वीडियो देखते हो ना, मैंने देखा कई लोगों को, मैं अपने कलीग्स को भी बोलता था कि वीडियो देखो, तो वो वीडियो ऐसे देखते थे और देखो, हाँ हाँ तने भैया, हाँ तने भाई बढ़िया लगा, हाँ कोई टेंशन नहीं। ऐसा नहीं करना भाई मेरे, जब वीडियो देखो तो एक नोटबुक पेन के साथ बैठो, जो जो तुम्हें पॉइंटर सही लग रहे हैं उसको नोट करो, उसको किसी के साथ डिस्कस करो, नहीं तो क्या फायदा है वीडियो देखने का। अरे ये कोई सलमान खान का सिनेमा थोड़ी है, ये तुम्हारे प्रोडक्शन में लाज रखने के लिए पढ़ाई है। तो पढ़ाई की सीरियसनेस के साथ ही करना इस चीज को। हर एक वीडियो का मेरे 2-3 पन्ने के नोट्स रहते थे, और उस नोट्स को ताकि मैं बाद में भी रेफर कर सकूं कि अच्छा ये इशू था, ये चीज का ध्यान रखना है, ऐसे बॉक्स कर रहा था कि दिस नीड्स टू बी अटेंशन का साइन बना के ऐसे करता था, तो वो बहुत जरूरी है करना। देखो, ये मेरी जो GraphQL लर्निंग की जर्नी है, ये एक बार नहीं कई बार हुई इस तरह की जर्नी माइक्रोसॉफ्ट में।
इसके बाद पहले मैं बिगनर बना, इस वीडियो में मैं प्रोडक्शन सीख रहा हूँ, इसके बाद एक्सपर्ट भी बना। कैसे बना एक्सपर्ट, अगर वो वीडियो भी आपको जानना है, अगर वो भी आपको समझना है कि किसी टेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन कोड लिखने के बाद उसमें बाबा कैसे बनते हैं, उसमें एक्सपर्ट कैसे बनते हैं, तो कमेंट जरूर करते जाना कि भैया एक्सपर्ट वाला वीडियो भी बना देना। अब आते हैं अगली चीज पे। ये जो टॉक्स हुए, ये टॉक्स कुछ लोगों ने दिए, अधिकतर ये जो टॉक्स देने वाले डेवलपर हैं वो ट्विटर पे भी रहते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें जाकर ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते, ताकि जब आप अटको और कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप इनको डीएम भी कर सको या कमेंट्स में पूछ सको कि यार मैं ये कर रहा था और मुझे ये इशू आया। अधिकतर ये लोग भी काफी एंथुसियास्टिक होते, तभी बेचारे जाकर अपना टाइम लगाकर जाकर कॉन्फ्रेंस में टॉक दे रहे हैं, अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी वो कीड़ा है कि यार हमारी से जो गलतियां हुई ना वो किसी और से ना हो। इसको हम टेक में बोलते हैं पेइंग इट फॉरवर्ड। तो ये भी पे इट फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसलिए ये आपको हेल्प भी कर देंगे बहुत आसानी से। यही नहीं, अगर आप स्पॉटिफाई पे जाओगे, उसी टॉपिक के बारे में सर्च करोगे, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे डीप पॉडकास्ट मिलेंगे, एक घंटे डेढ़ घंटे के पॉडकास्ट मिलेंगे। इन पॉडकास्ट को भी आप लगाकर वॉक कर सकते हो। मैं तो काफी वॉक किया करता था लेक के किनारे आराम से सुबह में, और फोन हाथ में रहता था, तो अगर कोई पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो नोट्स खोल के उसमें नोट कर लिया और फिर आराम से वॉक कर रहे हैं सुनते सुनते, तो ये भी कर सकते हो बहुत आराम से। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप ये करते हो, जब आप पॉडकास्ट सुनते हो, यूट्यूब वीडियोस देखते हो, वो भी कॉन्फ्रेंस वाले डीप टॉक्स, और इन लोगों को फॉलो करते हो, तो आपका टाइम स्पेंड जो होता है ओवरऑल सोचने की जो प्रक्रिया होती है वो बढ़ जाती है, और आप बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस से, थॉट प्रोसेस से, मेंटल मॉडल से, फ्रेमवर्क से सीखते हो। अकेला इंसान कितना ही इंटेलिजेंट होगा, नई जगह में तो और भी मुश्किल है, लेकिन बाकी लोग जो घुसे हुए हैं उस जंगल में पहले से, जिनको पता है कि शेर कहाँ है, बाघ कहाँ है, बंदर कहाँ है, बघीरा कहाँ है, उनसे सारा हेल्प ले सकते हो आप। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन में जाने के पहले। और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, जैसे कि आपको टेस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान देना होगा कि आपके टेस्ट अच्छे हों जब आप प्रोडक्शन में जा रहे हो, तो क्योंकि अगर टेस्ट ऊपर नीचे होंगे और आप थोड़ा सा भी मिस्टेक आगे पीछे करोगे तो गड़बड़ा जाओगे। तो नए प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़रूरी है कि एज केसेस, बाउंड्री केसेस भी देख लें, लेकिन जब आप प्रोडक्शन लेवल के लिए सीख रहे हो तो ये जो मैंने आपको बताया, बाकी लोगों से सीखना, डिस्कस करना, कम्युनिटी पे अपना टाइम स्पेंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात ये कि जब मैं ये कर रहा था, ग्राफक्यूएल के ऊपर इतना टाइम स्पेंड कर रहा था, तो मेरे जो टेक लीड थे, मेरे मैनेजर ने जो टेक लीड थे, उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि यार तने तुम 2 वीक से इतना सारा टाइम लगा रहे हो सीखने में, समझने में, तुमने ये ट्यूटोरियल ऐप बनाया, प्रोडक्शन में कब कोड लिखना शुरू करोगे? और मैंने कहा कि करेंगे, आराम से करेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, अच्छे से सीख कर करेंगे, ठीक है। फिर उनको ये अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मेरे मैनेजर को भी बोला, मैंने अपने मैनेजर से बात की, मैंने उनको समझाया कि देखिए ये मेरा अप्रोच है सीखने का, लेकिन एक बार जब मैं सीख जाऊंगा तो फिर मैं बहुत तेज़ी से काम करूंगा। और मेरे मैनेजर ने बोला कि जो तुम्हें सही लगता है करो, आई ट्रस्ट यू, बहुत अच्छे मैनेजर थे। और यही हुआ, एक बार जब अच्छा खासा बेसिक्स पे टाइम 1 वीक पूरा निकाला, प्रोडक्शन समझने में टाइम निकाला 1 वीक, खूब सारे नोट्स बनाए, ये ऐप बनाया, खूब सारी चीज़ें की, तो जब प्रोडक्शन का कोड लिखना शुरू हुआ तो बहुत फास्ट थे। यही नहीं था कि बहुत फास्ट थे, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी पता थी, तो बाकी टीम को भी सही से रखता था मैं कि अरे ये वाला बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है ग्राफक्यूएल का, या ये वाली चीज़ नहीं है। कोई भी सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट जाने से या गूगल चले जाने से या बड़े कंपनी चले जाने से एक्सपर्ट तो हो नहीं जाता, उसके लिए भी नई टेक्नोलॉजी का सफर वही होता है जो बाकी लोगों के लिए होता है। बट यही होता है कि हमें थोड़ा समय मिल जाता है, जब मुझे अपने मैनेजर समय मिल गया तो मैं समझ सका कि बेसिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करने हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, प्रोडक्शन के गौचास क्या हैं, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी पूरी टीम के लिए वो हेल्प हुआ। एक टाइम ऐसा आया जब मैं यही सब चीज़ें जाकर बाहर टॉक दे रहा था, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी लोग मुझे बुला रहे थे, बाकी टीम्स भी, कि तने जैसे अजोर टीम ने मुझे बुलाया, मैं ऑफिस टीम में था, कि आकर हमें भी थोड़ा एक बार ग्राफक्यूएल समझा दो, हम भी ग्राफक्यूएल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो टाइम लगता है, पर कोई दिक्कत नहीं, समय लगाने से नहीं कतराना चाहिए, और अपने मैनेजर से, अपने टेक लीड से ये कॉन्वर्सेशन क्लियरली कर लेना चाहिए कि देखिए अभी मैं सीखने में थोड़ा टाइम लगाऊंगा, बट आई एंश्योर कि ये टाइम आपको वहां पर निकल जाए जब मैं कोड लिखना शुरू करूंगा। तो दूसरी चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं, एक अपील है कि जब आप कोई चीज नई सीखो तो यू आर यूजिंग सो मेनी पीपल्स नॉलेज ना, आपने सबसे सीखा है, पॉडकास्ट में सीखा है, आपने टॉक्स में सीखा है, तो आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपसे जो गलतियां हुई, आपने जो सीखा, आप उसको भी डॉक्यूमेंट करो, वीडियोस में डॉक्यूमेंट करो, टॉक्स में डॉक्यूमेंट करो, ब्लॉग्स में डॉक्यूमेंट करो, पॉडकास्ट में डॉक्यूमेंट करो, आप भी लोगों को सिखाओ, क्योंकि बांटने से ही तो नॉलेज बढ़ेगा ना। और सब लोग बेटर सॉफ्टवेयर तभी लिख पाएंगे जब हम अपनी गलतियां, अपनी लर्निंग्स, अपने गौचास एक दूसरे से शेयर कर सके। आई होप कि तुम्हें मजा आया।
तुम्हें समझ में आया कि हर किसी के लिए स्ट्रगल होता है सीखना? अगर अच्छा लगा तो कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कर जाना। ये सब जो प्यार तुम लोग देकर जाते हो बहुत अच्छा लगता है बाद में देखने में। थैंक यू।